हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2020 इवेंट में पूछे गए सिस्टम सॉफ्टवेयर के क्वेश्चंस एंड उसके आंसर्स को। ओके, तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करेंगे हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ए पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन। यानी ये क्या कह रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम का वैसा पार्ट जिसमें क्या होता है, डेटा होता है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म। तो वो क्या होता है, सॉफ्टवेयर चिप हार्डवेयर DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो क्या होता है स्टूडेंट, सॉफ्टवेयर होता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, सेट ऑफ कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस होता है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर आर। स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या नन ऑफ द अबव। तो स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं हम लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, वो तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक प्लेटफॉर्म होता है जिसपे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन करते हैं। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो अलग अलग टास्क के लिए, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाते हैं। सो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर स्पेशल पर्पस सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी प्रोग्राम्स आर एग्जांपल्स ऑफ। तो ऑपरेटिंग सिस्टम और जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स है ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉटम अप पार्सिंग इन्वॉल्व्स। तो बॉटम अप पार्सिंग जो होता है उसमें क्या क्या होता है, शिफ्ट रिड्यूसेस यस, ऑपरेटर चेक नो, बोथ ए एंड बी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, अच्छा शिफ्ट रिड्यूसेस और ऑपरेटर चेक यस, तो यहाँ पे बोथ हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सिंग इज ऑल्सो नॉन एज। पार्सिंग को कहा जाता है क्या, लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस, सिमांटिक एनालिसिस या कोड जनरेशन। तो पार्सिंग हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर के लेक्चर सीरीज में। पार्सिंग को सिंटैक्स एनालिसिस भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो किसी ऑब्जेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टाइम लगता है, जो समय लगता है, उसे क्या बोलते हैं, रन टाइम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीपीयू हैज बिल्ट इन एबिलिटी, बिल्ट इन एबिलिटी। अच्छा, द सीपीयू हैज बिल्ट इन एबिलिटी, यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, टू एग्जीक्यूट अ पार्टिकुलर सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड एज रजिस्टर्स, इंस्ट्रक्शन सेट, सीक्वेंस सेट, एडर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है स्टूडेंट, सेट ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन होल्ड इन्फॉर्मेशन बिफोर गोइंग टू डिकोडर। तो हमें पता है डिकोडर के जाने से पहले, यानी डिकोडर को इंफॉर्मेशन पास करने से पहले कौन सा ऐसा इंस्ट्रक्शन है जो कि इंफॉर्मेशन को होल्ड करके रखता है, वो क्या होता है स्टूडेंट, वो होता है आपका MDR। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, कंट्रोल रजिस्टर, अच्छा यहाँ नेम दे दिया है, डेटा रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, एड्रेस रजिस्टर। तो MDR डेटा रजिस्टर जो होता है आपका वो होगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, द सेविंग डेटा टू सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रियलिटी अवेलेबल। क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, द सेविंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शन टू मेक देम रेडिली अवेलेबल। अच्छा, रेडिली अवेलेबल इज द जॉब ऑफ कैश यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोरेज यूनिट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, स्टोरेज यूनिट होगा स्टूडेंट। स्टोरेज यूनिट में क्या होता है, आपका डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सारे सेव होते हैं और वहां से ही क्या होता है, डेटा फेच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर एग्जांपल ऑफ। ये तो दो दो बार पूछ दिया गया, तो ये क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबग मॉनिटर हेल्प्स इन। जो डीबग मॉनिटर होता है, हम प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट में इसका यूज करते हैं जब हम लोग कोडिंग कर रहे होते हैं तो। और इसका यूज किस लिए करते हैं हम लोग, सेटिंग ब्रेक पॉइंट्स इन द प्रोग्राम। बिल्कुल, हम लोग प्रोग्राम में क्या कर सकते हैं, ब्रेक पॉइंट्स लगा सकते हैं जिससे हमारा प्रोग्राम उन्हीं पॉइंट्स तक एग्जीक्यूट करेगा और हम किसी प्रोग्राम के बीच का रिजल्ट को, इंटरमीडिएट रिजल्ट को देख सकते हैं। नेक्स्ट वन इज डिस्प्लेइंग वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। बिल्कुल, इसके लिए भी हम लोग यूज करते हैं। बोथ ऑफ द अबव यस, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिजिकल डिवाइस ऑफ कंप्यूटर इज कंट्रोल्ड बाय। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जितने भी फिजिकल डिवाइस हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो वन एंड ओनली ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। सो ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए है माउस, बी है कीबोर्ड, सी है असेंबलर, अच्छा डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे नन ऑफ दीज होगा आपका, चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद प्रोसेस स्टेट। इनमें से कौन सा प्रोसेस स्टेट से रिलेटेड नहीं है। अब प्रोसेस स्टेट हम लोग पढ़े थे ऑपरेटिंग सिस्टम में, है ना। तो
तो वहां पे टर्मिनेटेड स्टेट होता था, रनिंग स्टेट होता था, ब्लॉक्ड और एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन स्टेट होता है, ब्लॉक्ड स्टेट नहीं होता है, वेटिंग स्टेट होता है। ओके, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसलेटर इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज नॉन एज, अच्छा इनमें से कौन सा ऐसा ट्रांसलेटर है जिन्हें लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है, कंपाइलर, असेंबलर, लोडर, लिंकर। तो असेंबलर क्या है, एक लो लेवल लैंग्वेज है, हम लोग इंट्रोडक्शन टू असेंबली लैंग्वेज और हेलो वर्ल्ड वगैरह देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटरनल स्टोरेज ऑफ सीपीयू इज प्रोवाइडेड बाय, जो सीपीयू होता है स्टूडेंट उसका इंटरनल स्टोरेज उसमें क्या होता है, यानी कि सीपीयू का इंटरनल स्टोरेज किस चीज से बना होता है, प्रोग्राम काउंटर्स, रजिस्टर, कंट्रोलर्स और इंटरनल चिप्स। तो सीपीयू में रजिस्टर बिल्ट इन होते हैं, इसीलिए हम रजिस्टर को सीपीयू रजिस्टर भी बोलते हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, द लेंथ ऑफ रजिस्टर इज डिफाइंड बाय, रजिस्टर का लेंथ किससे पता चलता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वर्ड से, है ना। हम लोग असेंबलर में क्या करते हैं, जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज लिखते हैं तो वहां पे हम लोग मेमोरी जब रिजर्व करते हैं, याद है डीएस, तो वहां पे हम वन लिखते हैं तो वो वन वर्ड का साइज रिजर्व करता है ना। तो ये वर्ड क्या होता है, ये सीपीयू जो हमारा होता है, सीपीयू में जो रजिस्टर लगे होते हैं उसका लेंथ होता है। तो रजिस्टर का लेंथ यहाँ पे डिफाइन किया जाता है वर्ड लिमिट से, ऑप्शन, अच्छा वर्ड लिमिट नहीं, वर्ड साइज से। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। फिर से एक बार ऑप्शन पढ़ लेते हैं, रजिस्टर लिमिट, वर्ड लिमिट, रजिस्टर साइज, वर्ड साइज, तो ऑप्शन नंबर डी होगा आपका। हमेशा चारों ऑप्शन पढ़ लेना है, उसके बाद ही करेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिड्यूस, द नहीं होगा, टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ द प्रोग्राम ऑफ मेन मेमोरी सिस्टम यूजेज, सिंपल सा, प्रोग्राम हम जो लिखते हैं उसके लेंथ को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, मैक्रो का यूज करते हैं, है ना। ऊपर में सबसे बिगनिंग में डिफाइन करते हैं मैक्रो को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्रो, प्रोसीजर, सब रूटीन, नन ऑफ दिस, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो इज डिफाइंड इन अ प्रोग्राम आफ्टर फर्स्ट स्टेटमेंट, बिगनिंग ऑफ द प्रोग्राम, एंड ऑफ द प्रोग्राम, एनीवेयर इन द प्रोग्राम। सो मैक्रो कैन बी डिफाइंड एनीवेयर इन अ प्रोग्राम, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। ओके, नेक्स्ट है, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द मूव इज, तो मूव इंस्ट्रक्शन होता है उसको कितना टाइम चाहिए, रिक्वायर्ड फॉर एग्जीक्यूशन यानी कि एग्जीक्यूशन के लिए, ग्रेटर देन दैट प्रोसीजर, लेस देन दैट प्रोसीजर, इक्वल टू दैट प्रोसीजर या नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेस देन दैट प्रोसीजर। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इज, ए सिस्टम प्रोग्राम दैट सेट अप एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन मेन मेमोरी रेडी फॉर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड, अब बताइए एक कौन सा ऐसा सिस्टम प्रोग्राम है जो कि एग्जीक्यूटेबल, हमारे पास .exe फाइल मौजूद है, उसको क्या करता है, लोड करता है मेमोरी में ताकि सीपीयू क्या कर सके, उसे एग्जीक्यूट करा सके, उसे क्या बोलते हैं, जो लोड करता हो उसे लोडर बोलते हैं। हम लोग पढ़ चुके हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे लोडर ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग ग्रुप बी की ओर, दैट इज 4 मार्क्स के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय मॉडल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, मैंने बता रखा है, इजिली आप लोग प्रॉपर डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अथवा में पूछा गया, हाउ डज लैंग्वेज प्रोसेसर वर्क्स, राइट इट्स स्टेप्स, हम लोगों ने डिटेल में पढ़ रखा है, हालांकि ये ओनली 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको सिंपल सी सिर्फ ओवरव्यू लिख देना है, आपको ज्यादा इसमें नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट इवोल्यूशनरी स्टेप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, अच्छा इवोल्यूशनरी स्टेप ये हमने नहीं बताया आपको कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, अच्छा वन मिनट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, इवोल्यूशन ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर हमने आपको बताया है, आपको क्या करना है यहाँ पे उसे ही लिख देना है, सीधा आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अथवा मैं पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटीज, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, हमने 4 वीडियो में डिस्कस किया लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी को, लेकिन आपको उतना नहीं लिखना है, आपको सिंपल सा पहले तो लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक्टिविटी क्या होता है वो लिखना है, उसके बाद सारे जो स्टेप्स होते हैं, सिर्फ पूरा स्टेप का एक्सप्लेनेशन नहीं, सिर्फ स्टेप लिखना है और साथ में डायग्राम बना देना है, लगभग 1.5-2 पेज हो गया तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज असेंबलर वर्क्स, जस्टिफाइड असेंबलर कैसे काम करता है, तो यहाँ पे आपको क्या बताना है, जो हमने असेंबलर जब हमने पढ़ा था, 5 स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर पता है, तो उसमें हमने सबसे पहले क्या डिस्कस किया था, सबसे पहले हमने देखा था एक फ्लो चार्ट, जिसमें हमने देखा था कि इनपुट हम लोग देते हैं पास वन को, मतलब सोर्स प्रोग्राम हम लोग देते हैं पास वन को, और पास वन क्या करता है, इंटरमीडिएट कोड जनरेट करता है, डेटा स्ट्रक्चर जनरेट करता है, वो दोनों हम लोग देते हैं पास टू को, और पास टू क्या करता है, मशीन कोड जनरेट करता है। बस इसी को आपको समझाना है, चूंकि 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन है, वो वाला फ्लो चार्ट आप लोग यहाँ बना दीजिएगा, ठीक है, पूरा 5 स्ट्रक्चर नहीं समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज मैक्रो इंस्ट्रक्शंस, मैक्रो इंस्ट्रक्शंस क्या होता है, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ, इसे डिटेल में समझाना है, नहीं शॉर्ट में समझाना है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ब्रीफ में, तो इस क्वेश्चन को हम लोग लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हाउ डज मैक्रो कॉल्स विथ मैक्रोज इन द प्रोग्राम, मीन्स मैक्रो कैसे कॉल, हाउ डज मैक्रो कॉल्स विथ मैक्रो, मतलब एक मैक्रो दूसरे मैक्रो के साथ कैसे कॉल होता है प्रोग्राम में, ये भी हम लोग समझेंगे, अभी पढ़े नहीं है। अथवा में पूछा गया है कंपाइलर और इंटरप्रेटर में डिफ्रेंशिएट कीजिए, एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़ चुके हैं, लैंग्वेज प्रोसेसर में आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय फंक्शन कोड ऑप्टिमाइजेशन, जब हम लोग कोड ऑप्टिमाइजेशन पढ़ेंगे तब इसे पढ़ेंगे। अथवा में है, हाउ डज मेमोरी एलोकेशन वर्क, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, मेमोरी एलोकेशन हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम लोग वहां पे डायग्राम पे देखेंगे। ओके, अब हम लोग आते हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन पे, राइट वेरियस फेजेज ऑफ कंपाइलर। देखिए कंपाइलर का फेज और असेंबलर का फेज, ये दोनों में से कोई एक पूछा ही जाएगा, दोनों भी पूछे जा सकते हैं। हम लोग असेंबलर के फेजेज को समझ लिया, कंपाइलर के फेजेज को जस्ट अब नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अथवा में पूछा गया है एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इन डिटेल्स, हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं, आराम से आप लिख सकते हैं कि 6 मार्क्स आपको मिल जाए। नेक्स्ट पूछा गया है व्हाट आर द पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर, एक्सप्लेन इट, एकदम जो अभी हम लोग पढ़े हैं पास स्ट्रक्चर ऑफ असेंबलर, लगभग 40 से 45 मिनट का वो वीडियो था, आपको यहाँ पे उसे एक्सप्लेन कर देना। आप देखिए 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े, उतना पूरा नहीं लिखना है, 7-8 पेज आपको मैक्सिमम, 3-3.5 पेज बस ओवरव्यू लिखना है। हाँ, लेकिन जो हमने फ्लो चार्ट बनाया था, फ्लो चार्ट आपको सारे बना देने, एग्जाम्पल आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते, सिर्फ एक्सप्लेन करने कहा गया है। तो आपको सोर्स प्रोग्राम लिखना, उसको इंटरमीडिएट कोड में, फिर उसको मशीन कोड में, ये एकदम नेसेसरी नहीं है, समय ना हो तो बिल्कुल ना करें। अथवा में पूछा गया राइट डिजाइनिंग स्टेप्स ऑफ लिंकर विथ एन एग्जाम्पल, हम लोग देखेंगे लिंकर और लोडर का डिजाइन, उसमें इसे समझेंगे, लोडर को भी हम लोग समझेंगे। अथवा में पूछा गया प्रोग्रामिंग एनवायरमेंट क्या होता है, एक्सप्लेन इट इन डिटेल, ये भी हमें अभी पढ़ना है। What do you mean by conditional macro expansion? हम लोग मैक्रो में समझेंगे इसे। अथवा में पूछा गया write the characteristics of macros, ये भी देख लेंगे। What do you mean by language processor? ये हम लोगों ने पढ़ रखा है, उसके characteristics को लिख सकते हैं हम लोग। अथवा में पूछा गया explain any one editors of system software, system software के किसी एक editor, कोई भी editor को आपको यहाँ पे explain करना है, उसके proper working steps को हम लोग दो editor को कम से कम देख लेंगे live session में, और उसमें से आपसे अगर पूछा जाए तो कोई एक आप लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन एंड हो गया स्टूडेंट, ठीक है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमसे अभी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन है जो कि सॉल्व नहीं हो रहे, तो लाइव सेशन में हम लोग इन सारे क्वेश्चन को जो वीवीआई होंगे हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पीवाईक्यू डिस्कशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।